5 तारीख को 11 बजे से उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी को पार्टिसिपेट करना दिया जाए, उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए, ये पूरा स्पष्ट था। ईडी का ऑब्जेक्शन जो है यह बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया, अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है। फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। वोट के लिए है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगा वोटिंग का, तो जब तक वोटिंग होगा वोटिंग के बाद फिर ईडी कस्टडी में वोट चलेगा। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।